अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ के जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है हेपेटाइटिस बी। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने हेपेटाइटिस ए को पढ़ा था या समझा था। अब इसका जानते हैं हेपेटाइटिस ए को एपिडेमिक को बताया था कि जॉन्डिस भी कहते हैं, यानी कि उसी को यरकान कहते हैं, पीला यरकान कहते हैं, और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को काला यरकान भी कहा जाता है। और भी इसके नाम हैं जैसे सीरम हेपेटाइटिस। सीरम जैसे स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि जब ब्लड से उसके क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर जाता है तो उसके बाद जो ब्लड बचता है उसे सीरम कहते हैं। और इसे ऑस्ट्रेलिया इंटेलिजेंट के नाम से भी जाना जाते हैं, हेपेटाइटिस भी कहते हैं इसे, टैटो जॉन्डिस भी कहते हैं। और सीरम हेपेटाइटिस के ताल्लुक से ये है कि ये जो है इसका एपिडेमिक फैला था हेपेटाइटिस बी का, तो ये उन लोगों के दरमियान जिसको येलो फीवर की वैक्सीन दी गई थी, उनके जो सर्विस मेंबर थे जिन पे वैक्सीन दी गई थी, तो उनको उनके दरमियान ये एपिडेमिक फैला हुआ था। तो बाद में ये पता लगाया गया कि ये क्यों फैला, कैसे हुआ, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो उसमें जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन निकल के आया था वो था सीरम, इसीलिए इसे सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। असली एंटीजन इसको इसलिए कहते हैं स्टूडेंट कि इसका जो है एम्बिजियस ओरिजिन के लोग जो थे, आदिवासी जो ऑस्ट्रेलियन थे, सबसे पहले उनके अंदर ये तलाशा गया, लेकिन बाद में फिर ये कहा गया नहीं, ये सब किसी को भी हो सकता है, पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी शख्स को हो सकता है, लेकिन चूंकि सबसे पहली बार जो है वह एक ऑस्ट्रेलियन आदिवासी से इसको वायरस को डिटेक्ट किया गया था, इसलिए उसके नाम पर इसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का जो है मैं सर्च कर रहा था, ये तो अभी मिला नहीं है, और मिलेगा मैं इसको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी कभी आपको बारे में बता दूंगा। टैटो जॉन्डिस इसलिए कहते हैं कि जैसे अभी आपको आगे बताऊंगा कि इसका जो ट्रांसमिशन एंड कैसे कैसे फैलता है, तो उसमें ये जो है जैसे सिरिंज वगैरह कोई इस्तेमाल करता है, या टैटो मार्क करने में क्या कहते हैं नीडल का यूज़ करते हैं, वो टैटो के जो वो उसके एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, जो टैटो बनाते हैं, तो अब जाहिर सी बात वो किसी ऐसे पर्सन की लग करके आई जिसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन था, उसके बाद फिर वही सीनिडिल को दूसरे को उसने टैटो बनाने के यूज़ किया, और उसके बाद फिर उस पर्सन को भी क्या है हेपेटाइटिस बी हो जाएगी, इसलिए इसे टैटो जॉन्डिस भी कहा जाता है। अभी स्टूडेंट क्या होता है कि ये कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी जो है ये एक डीएनए वायरस है, इसका वायरस जो है जिस्मानी रतूबत या रतूबत मानविया मुसिल के है ना रतूबात थूक सलाइवा खून में मौजूद होता है, इन्हीं जगहों से वो दूसरे अफराद में दाखिल होता है। और ये कहते हैं कि जीअर की क्या है कि एक सोजिश है ना, डिजीज़ इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द लीवर, और किसकी वजह से हो रहा है हेपेटाइटिस बी वायरस का सोर्स है ना, उसका कॉजिटिव एजेंट है। और ये कैसे फैलता है पेरेंटली यानी कि जो कुछ माउथ के अलावा से जहाँ से चीज़ें बॉडी के अंदर दाखिल हों उसे पेरेंटली रूट कहा जाता है। और इसकी क्लिनिकल बाइलिंगुअल इंक्यूबेशन पीरियड होता है, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इलनेस होता है इसमें, ऑफन लीडिंग टू द क्रोनिक लीवर, अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो इसके अंदर क्या है कि आदमी अल्टीमेटली क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है। और स्टूडेंट अब ये हेपेटाइटिस इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बात करते हैं कि यानी वर्ल्ड वाइज लेवल पर यह पूरी दुनिया में क्या है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ये जो है क्या है इसकी एपिडेमिक पूरी दुनिया में फैलती है या फैली हुई है, खासतौर से ट्रॉपिकल एंड डेवलपिंग जो एरिया कंट्रीज होते हैं उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है। अब इसके और डिटेल भी थी कि अभी हिंदुस्तान का सिनेरियो क्या था, नेपाल का, भारत का, और भूटान, चाइना, इन सब के सिनेरियो पूरा बुक में दिया, अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अब आई स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं एजेंट फैक्टर, जिसे बात चल रही है वो क्या है, एजेंट फैक्टर हेपेटाइटिस बी वायरस है ना, ये सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने इसको डिटेक्ट किया था उनका नाम था ब्लूमबर्ग ने किया था इसके 1963 में। इसकी तीन फॉर्म होती हैं इस वायरस की, एक स्मॉल स्पिकल पार्टिकल्स की शक्ल में होता है, दूसरा ट्यूबल्स शक्ल में होता है, तीसरा डेंट पार्टिकल, और यही इसी को माना जाता है कि जो तीसरा डेंट पार्टिकल होता है यही कंसिडर्ड इन्फेक्शन, इसी के जरिए से डेंट पार्टिकल है ना के जरिए से क्या होता है कि वो कंसिडर्ड इन्फेक्शन करता है, यानी कि इसी डेंट पार्टिकल ही जो है मेन रीज़न बनता है, सबब बनता है हेपेटाइटिस बी के होने का। तो वही स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कि डेंट पार्टिकल असल एक होता क्या है कि डेंट पार्टिकल जो है स्पेसिफिकल पार्टिकल फाउंड इन द सीरम, ठीक है ना, स्पेसिफिकल स्ट्रक्चर होता है पार्टिकल जो कि सीरम में पाया जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस के।
और दैट इज़ वेरिएंट ऑफ द काजी टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला। ये माइक्रोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की बहस है ना, आपको इसकी डिटेल में जानना है। बस याद रखिए कि डीएनए पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, और उसी को ये समझा जाता है कि ये इन्फेक्शन का मेन वजह होती है। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं रिजर्वायर इन्फेक्शन। मैन इज़ द ओनली रिजर्वायर एंड इन्फेक्शन स्प्रेड इधर फ्रॉम कैरियर और केसेस मैन, ठीक है स्टूडेंट। इसी बारे में सारी चीज़ें आपको बता देंगे, रिजर्वायर इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्टेड में कॉन्टेमिनेटेड ब्लड इज़ द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शस, यानी कि किसी के ब्लड में अगर ये मौजूद है तो अब उसका जो भी प्रोटोकॉल जो सलाइवा होगा और उसके बीच जो रतुबात होगी सारी, वो इसका मेन सोर्स होगी, जो कि इस तरह यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस के फैलने की जिम्मे। अब इस बात करें कि रेजिस्टेंस वायरस कैन सर्वाइव 7 days ऑन सरफेस, 7 दिन तक ये सरफेस पे अगर रहे तो वहाँ सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी इंसान कोई भी चीज़ को अगर टच कर रहा है तो अपने माउथ के एरिया के आसपास वो न ले जाए। हो सकता है किसी भी इंसान का सलाइवा वगैरह हो, है ना, यहाँ मौजूद हो तो उसके इन्फेक्शन उसे लग सकता है। और कह रहे कि वायरस ये ख़त्म हो जाता है, ये वायरस रेडली डिस्ट्रॉय बाय द सोडियम हाइपोक्लोराइट से अगर जो है इसका क्या सैनिटाइज किया जाए सारे सरफेस को सारे एरियाज़ को, तो वहाँ पर इसके वायरस का जो वो होता है, ठीक है, जो वायरस मौजूद होते हैं वहाँ से वो किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब इस बात करते हैं होस्ट फैक्टर क्या है कि उसमें एज, एक्यूट हेपेटाइटिस भी अकर्स इन अप्रॉक्सिमेटली 1% ऑफ प्रीनेटल, और उसके बाद 10% अर्ली चाइल्डहुड में होता है, यानी 1 से 5 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होता है, और 30% ऑफ लेट एंड मोर देन 5 ईयर्स में ये इसका इन्फेक्शन होता है। कोरोनिक हेपेटाइटिस वी वायरस इन्फेक्शन इज यूनिवर्सलिटी टू द एज, अकर्स इन अप्रॉक्सिमेटली जो है 80-90% ऑफ प्रीनेटल इन्फेक्शन जो इनको अंदर होगा उसी के अंदर 80-90% चांसेस होते हैं कि ये वायरस है हो जो कि क्रोनिक कंडीशन में चलेगा। और 30% होता है अर्ली चाइल्डहुड इन्फेक्शन एंड 5% इन्फेक्शन आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ एज, जो है 5% यानी कि जब एज बढ़ते बढ़ते साथ जो है इसका इन्फेक्शन कम हो जाता है। अब स्टूडेंट इसके एक बात करते हैं कि हाई रिस्क इसमें इसके कौन से लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं कि हाई रिस्क ग्रुप कौन सा है, जो आपने बताया एनुअल इंसिडेंस इन सर्जन इज 50 times ग्रेटर देन जनरल पॉपुलेशन, यानी सर्जन जो सर्जरी करते हैं, ठीक है, जो जर्रा होते हैं उनके अंदर ये इसकी टेंडेंसी इसलिए होती है चूँकि वो जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हैं या वो जो उसका पेशेंट होता है, ठीक है ना, तो उससे चीज़ों को क्या है कि वो चेकअप करते हैं उनका, तो उससे इन्फेक्शन याद जाहिर बात है, तो उनको चूँकि वो पार्टिकल पर्सन पेशेंट को देख रहे हैं, पेशेंट किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस तरह का पेशेंट है चूँकि एसिम्टोमेटिक है मालूम नहीं, तो ऐसे लोगों में ये दर्द कॉमन होता है यानी कि सर्जन के। उसके अलावा वो लोग भी हैं बहुत ज़्यादा जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता रहता है ना, जैसे कोई डिजीज़ के किसी ब्लड की डिजीज़ है उसको मतलब आप में 6 मंथ में या 6 महीने में 6 महीने में या साल भर पे अगर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है तो उसे भी चांसेस होते हैं, या किसी को किसी ऐसे ही मतलब बिना ब्लड टेस्ट किए हुए अगर किसी को ब्लड चला दिया गया उसके ज़रिए से भी क्या है कि उसको दूसरे को अगर ब्लड भी से इन्फेक्टेड था वो पर्सन और उसके ब्लड को दूसरे को ट्रांसमिट कर दिया तो उसको भी वो बीमारी लग जाएगी यानी हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाएगा। हेल्थ केयर एन एल पर्सन होमोसेक्सुअल एंड सो ऑन, इन सभी लोगों के अंदर हम जैसे पर्सन के अंदर ये कॉमन होती है और उनके अंदर भी ये वायरस हेपेटाइटिस का हो जाता है। अब ये फैलता कैसे है स्टूडेंट, अब लोग हम लोग बात कर रहे हैं कि ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है। हेपेटाइटिस बी जैसे पेरिनेटल रूट बताया मोस्ट कॉमन, ये अब ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, और ये पेरिनेटल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन ऑफ द बेबी यूजुअली नेक्टेरिक एंड रिकॉग्नाइज अपीयरेंस ऑफ HBsAg बिटवीन 60 to 120 days आफ्टर बर्थ, यानी कि पेरिनेटल अगर है तो उसके ज़रिए से भी उसको फैलता है, यानी कि अब ये मान चलिए हेपेटाइटिस बी जो है खून और जिसमें दूसरे रतुबों से के लम्स के जरिए फैलता है, जिले कट्टे फटने या जिसमें के अंदरूनी सतहों की लाइनिंग से लम्स की सूरत में वायरस फैलता है। हेपेटाइटिस बी से मुख्तलिफ सूरत भी मुतासर हो सकते हैं, जैसे जो कोई आदमी वो करता है नशावर जो लोग होते हैं जो अपने आप को इंजेक्शन लगाते हैं, है ना, उनके बदले इंजेक्शन के लेने से उसको भी वो ये बीमारी हो सकती है उसके ज़रिए से फैल सकता है। अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है ना इस मर्ज़ में मुबतला है तो उसके पैदाइश के वक्त है ना नौमौलूक मुंतकिल हो सकता है, यानी कि इसमें क्या गया है ना प्रेग्नेंसी इन्फेक्शन ऑफ बेबी यूजुअली एनेक्टेरिक एंड रिकॉग्नाइज बाय अपीयरेंस ऑफ HBsAg यानी कि उस आफ्टर बर्थ, ठीक है ना, अगर कोई मतलब जो प्रेग्नेंट मदर है
उसको मुझे नहीं जाना, उससे हेपेटाइटिस भी है। अब अगर उसके क्या उसका जो उसका उसको मान लीजिए बाद में निकल के आए कि हाँ उसको इसका इन्फेक्शन है, तो क्या वो प्रेग्नेंट है तो क्या उसके बच्चे को जी, अब उसके बच्चे को भी क्या है इसका मुंतकिल हो जाएगा। अब फिर बताया कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन हाइम पार्टिकल मेल होमोसेक्सुअल जो होते हैं जिनसे मिलाप के जरिए या हम जिन प्रोसेस के अंदर होती है उनके दरमियान भी ये चीज़ हो जाती है। और भी चीज़ें जैसे खून में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए से ये भी ये का कॉमन है कि इसके ज़रिए से भी वो ट्रांसफर जो है हेपेटाइटिस बी वायरस दूसरे को लग सकता है। हाँ, लेकिन अगर ये है कि अगर खून के किसी जो ब्लड दिया जा रहा है अगर उसकी स्क्रीनिंग कर ली गई है ना तो उसके जो है बचाया जा सकता है। जैसे ऊपर आपको बताया था कि टैटोमास है ना, जिनको जो गुदवाते हैं कहते हैं ना नक्श नगार के लिए टैटू जो बनवाते हैं, वहाँ उन लोग ऐसी सुई इस्तेमाल करते हैं जो उसकी जरासीम उसमें लगे हों तो वो आसानी से अगर हो जाता है, लेकिन अगर उसकी स्ट्राइज करके फिर इस्तेमाल करते हैं तो वो जरासीम नहीं होंगे। हाथाती तौर पर अगर सिलेंडर मान के चलें तो जिल्द के कटना फटना या जरासीम वाले मुतासर होने के सिर तो वो जिल्द पर लगना है ना, खासतौर से वैसे लोग जो हेल्थ वर्कर्स वगैरह होते हैं या हॉस्पिटल वगैरह जो काम करते हैं उनके लोगों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इस स्टूडेंट्स के क्लिनिकल फीचर इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 80 days है ना, यानी एक महीने से और जो है 3 to 180 days के दरमियान का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी इसके इंक्यूबेशन पीरियड जो है 30 to 180 days का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब इसके हम क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं कि द ऑनसेट इज इंसीडियस विथ लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर किसी को होता तो जाहिर सी बात है कि इसका ऑनसेट इंसीडियस होगा और उसका जो है भूख जो है उसकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, उसको भूख की एहसास नहीं होगा, नौजिया होगा, वोमिटिंग होगी, लो ग्रेड फीवर होगा और फिर पूरा बदन दर्द करेगा। कभी कभी हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हेपेटाइटिस ए वायरस जैसे कि होना ही था, लेकिन इसमें ऐसा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ें हों। और दे ऑनसेट ऑफ टेरस, और ये भी उम्मीद है कि जो है जॉन्डिस भी हो सकती है, ठीक है ना। और हाई कलर यूरिन लाइट कलर स्टूल्स हेपेटोस्प्लेनोमिया के लिए ऑफन अकर्स, जरूरी नहीं हो लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है इसके अंदर। और एक्यूट जो कंडीशन है इन्फेक्शन एमंग चिल्ड्रन इज रियली सिम्टोमेटिक, ठीक है ना, एनेक्टेटिक हेपेटाइटिस इनके अंदर यूज नहीं होता है। और स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो पहले प्रिवेंशन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वायर, यानी कि जिसका रिजर्वायर भी बताया कि ह्यूमन, अब इस बात ह्यूमन खत्म कर सकते नहीं है ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, ऐसे ट्रीटमेंट तो है नहीं, सिर्फ क्या है वैक्सीन ही इसका ट्रीटमेंट है, या इसके अलावा जो है क्या है ब्लॉकिंग द जो सूचना है मोड ट्रांसमिशन है ना वो ट्रांसफर कर दिया जाए, ब्लॉकिंग द चैनल ऑफ द ट्रांसमिशन, दिस इज़ पॉसिबल इन सम केसेज बाई द फॉलोइंग, अगर कोई चीज़ अपनाई जाए तो उसको होता है, जैसे स्टेलाइजेशन ऑफ सीरेंज नीडल्स कैटगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीज़ें जो होती हैं सब चीज़ को स्टेलाइज कर लिया जाए। और अब जैसे और ये चीज़ और चीज़ें बच सकती हैं जैसे डे टू डे लाइफ में कि अवॉइडिंग शेयरिंग ऑफ टूथब्रश, कोई रेजर्स है सिरिंज है एमंग ड्रग्स एब्यूजर जो लोग करते हैं है ना, उनके अंदर भी इसके चांसेस होते हैं कि वो चीज़ हो जाए, अगर उस चीज़ से अवॉइड कर सकते हैं वो उससे बच सकते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स ऑफ HBsAg, यानी कि उसको किसी को ब्लड लेने से पहले है ना ये ज़रूरी है उसका HBsAg करा लिया जाए, ताकि अगर वो एंटीजन उसके अंदर मौजूद हो तो उसको है ना लिया जाए, उसका ब्लड को दूसरे को ना ट्रांसफ्यूज किया जाए। और करें अवॉइड होमोसेक्सुअलिटी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ये तो आप समझ रहे हैं इसको, ठीक है ना, इन सब चीज़ से अगर कोई इसको इस्तेमाल कर इसका कोई आदि है तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगी, अगर इससे बचना चाहता है तो इन सब चीज़ से अवॉइड करें। एक्सक्रीशन ऑफ नॉट टू डोनेट ब्लड, नॉट टू शेयर देयर रोजर्स ब्लड ब्रश ब्लड है ना टूथ बाथ ब्रश हुआ टूथ ब्रश एक्स्ट्रा विद कोई भी चीज़ जो है इस्तेमाल न किया जाए, जो चीज़ इस्तेमाल होगी उसे फिर फेंक कर दिया जाए। फिर स्टेलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सिंपल हीटिंग ओवर ए फ्लेम बिफोर अडॉप्टिंग प्रोसीजर लाइक नोया है ना नोज पियर्सिंग ईयर पिकिंग एक्यूपंचर एंड टैटूइंग, कोई भी चीज़ अगर आप किसी डे टू डे लाइफ में ये भी देखने में आता है कि बहुत सारे लोग होम जो घर में रहते हैं वो अपना ब्लड टेस्ट करते रहते हैं, ठीक है, तो वो एक ही नीडल को ही यूज़ करते हैं, तो उनको ऐसे लोगों को मना कर दिया है ना कि उसके लिए जो प्रिक करने के लिए नीडल आती है वो एक बार प्रिक करें उसके बाद फेंक दें है ना दोबारा, और अच्छा अगर एक के प्रिक किया तो दूसरे को भी ना, मान लीजिए वालिद किया तो वालदा को ना करें, अगर वालदा किया तो वालिद को उसी सिरिंज को इस्तेमाल ना करें, इसका एहतियात बरतें, इसको आप लोगों को दूसरे को अवेयर कर सकते हैं बता सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ससेप्टिबल, अब जो लास्ट बनता है क्या कि ससेप्टिबल को बचाए जिसको ना हुई हो ही ना ये उसके लिए क्या क्या इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और जो है उसके बाद दूसरी क्या है पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में 4 types की होती है, वैक्सीन दी जाती है उसमें प्लाजेशन है ना। अब प्रोटेक्शन ऑफ ससेप्टिबल यानी उसमें कैसे कर सकते हैं कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन के जरिए से कर सकते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन देंगे और 4 types ऑफ वैक्सीन आर करंटली अवेलेबल,
उसमें नंबर एक प्लाज्मा ड्राइव वैक्सीन और दूसरी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, है ना, ईस्ट ड्राइव वैक्सीन होती है। और इसमें फिर भी आती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की इम्यूनोग्लोबिन जो होती है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन के लिए। पैसिफिक ट्यूमराइजेशन, है ना, पैसिफिक ट्यूमराइजेशन किया जाता है। और यहाँ पर देखिए ह्यूमन हेपेटाइटिस बी हीमोग्लोबिन दिया और ये इसका इंजेक्शन, ये भी दोनों क्या है आप इम्यूनोग्लोबुलिन है और तो ये भी जो है वो है हेपेटाइटिस का स्टूडेंट। तो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन है, दूसरी है पैसिफिक इम्यूनाइजेशन वैक्सीन। तो ओके स्टूडेंट, उम्मीद की आपको ये लेक्चर समझ आए। आप किताब उठाइए, उसमें पढ़िए और उसको मैच करिए क्या कुछ मैंने बोला है, क्या कुछ पढ़ाया, फिर उसका आप नोट्स बनाइए, ठीक है स्टूडेंट। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है हम ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।